नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। अभी हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो चल रहा है तो उसकी मतगणना चल रही है यहाँ डीएवी केंद्र पे, और आपको बता दें कि यहाँ पे गोरिया कोठी पंचायत का लगभग 22 पंचायत निर्वाचन परिणाम यहाँ मतगणना का काम चल रहा है। चामो ग्राम पंचायत सदस्य पर ये यहाँ पे शुरू हुआ है और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 22 पंचायत है यहाँ पे, जैसे जैसे राम बालक माली जाएंगे। अभी तक जो अधिकारी से हमें जो सूचना मिली है उसमें हेतिमपुर के हेतिमपुर से मुखिया पद पर अभय सिंह ने बाजी मारी है। आपको एक बार फिर बता दें कि गोरिया कोठी पंचायत से जो मुखिया पद है उस पर अभय सिंह ने जीत हासिल की है, और उसी तरह से जामो पंचायत में सविता देवी मुखिया पद के लिए वो जीती हुई है, और बरोहोगा से पंचायत से शोभा पांडे ये तीन प्रत्याशियों का अभी हमारे पास मिला हुआ है। जैसे जैसे आप देख पता जाएगा हम आपको बताते चलेंगे कि आज किस प्रत्याशी ने कहां से विजय हासिल किया है। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा दें कि ये मतगणना केंद्र है और यहाँ पे भारी संख्या में जो 22 पंचायत की जो मतगणना चल रही है यहाँ भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि दोनों तरफ जाए गोपाल चौधरी 148 को निकालने का काम करें। ये सभी लोग जो जिनकी इस प्रकार पंचायत जामो ग्राम पंचायत सदस्य पद वार्ड संख्या 9 से गोपाल चौधरी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। पंचायत जामो ग्राम पंचायत सदस्य पद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 प्रमोद कुमार 99, प्रेमनाथ शर्मा 31, हरिकांत प्रसाद 114। लेकिन हमारे पास दो अपडेट मिला इस प्रकार पंचायत जामो ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए वार्ड संख्या 10 से हरिकांत प्रसाद।